हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद कायना। जैसे कि आप जानते हो कि मैं MP जबलपुर आई हुई हूँ अपने घर, यानी कि अपने मम्मी के घर। वैसे मैं रहती नानी के यहाँ हूँ इलाहाबाद में, और आज मैं आपको देने वाली हूँ होम टूर। सबसे पहले तो आपने दो गाड़ियाँ देख ली जो कि हमारे घर की है। अब हम एंट्री लेंगे अंदर की, जो कि एक गेट से स्टार्टिंग है। और ये छोटा सा एक एरिया है कार या फिर बाइक खड़ा करने के लिए। साइड में आपको बेसिंग मिल जाती है। ऊपर अभी उतना डेकोरेट ये घर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ कोई रहता नहीं है। 5-6 मंथ बाद यहाँ पे सब शिफ्ट हो जाएंगे, तब ये घर वापस से डेकोरेट होगा, तभी जाके रेडी होगा। अब ये है एंटर करने का दरवाज़ा, यानी कि डोर। जैसे हम एंटर करेंगे, हमारी पूरी फैमिली आपको दिख जाएगी। मेरा भाई, मेरी खाला, मेरे खालू, वो बैठी रेड सूट वाली मेरी मम्मी, सब बैठ के यहाँ बातचीत कर रहे हैं। और एक ये वार्ड डोर बना है, जहाँ पे हम TV वगैरह और जो जो चीज़ें इलेक्ट्रिक, वो चीज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं, सजा सकते हैं। वो बैठे हैं मेरे पापा। अभी घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो प्लीज़ अवॉइड, क्योंकि गेस्ट थे घर पे। इस वजह से ये है मेरा छोटा भाई, यानी कि मेरी खाला का बेटा। और ये है वो, कुछ डेकोरेट है कुछ नहीं है। ये हमारा छोटा सा एक किचन। और जब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आपको एक बार फिर से होम टूर दूंगी। और एक छोटी सी यहाँ पे बालकनी टाइप्स का, गलियारा टाइप्स का आप कह सकते हो, लॉन कह सकते हो, जहाँ कि आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो, कपड़े वॉश कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और ये किचन का पूरा एरिया है। अब हम किचन से निकलेंगे तो उसके जस्ट बगल में एक रूम है। अभी हम यहाँ के पहले तो लाइट ऑन कर लेते हैं। यहाँ दिख रही हूँ मैं, पीछे आपको दिख रहा होगा बाथरूम, यानी कि हमारा वॉशरूम, जो कि है जॉइंट। अब यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ टेम्परेरी, क्योंकि मम्मी मंथ में एक बार आती है, 1-2 दिन के लिए बस। अब यहाँ पे है एक अलमारी, यहाँ पे है विंडो, ऊपर है रोशनदान, स्विच है, सिंपली एक कलर है। यहाँ पे बहुत मैसी हो रखा है, क्योंकि हम सबका यहाँ पे सामान रखा हुआ है। सामने वॉट डोर है कुछ ना कुछ रखने के लिए। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। अब यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। अभी आपको ये रूम मिलेगा खाली, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी डेकोरेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम सब यहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं। जब शिफ्ट हो जाएंगे तभी ये रूम डेकोरेट करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये होम कैसा लगा, आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। आपको यहाँ पे दो तरीके का दरवाज़ा मिल जाएगा, एक इस टाइप का डोर, एंड सेकेंडली एक नेट डोर मिल जाएगा। जैसे कि लाइट चली गई या फिर गर्म है, तो आप इजीली एक ही डोर बंद करके सो सकते हो। लेट्स सी, ये हमारी छोटी सी है बालकनी, जहाँ पे हम ग्रास कारपेट लगाएंगे। यहाँ पे हम एक अच्छा सा झूला टांगेंगे, जो कि हमारा डेकोरेशन हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा रूम, जब तक इसे कर लेते हैं बंद। यहाँ है एक बाथरूम। अभी भी घर में काफी कुछ काम है जो बाकी है, वो भी हो ही रहा है धीरे धीरे। एंड ये सेकेंड है छोटा सा एक हॉल, जहाँ पे हम अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ गेस्ट आ जाए तो यहाँ पर भी बैठ सके। और ये है हमारा दूसरा रूम, जहाँ मेरे मम्मी पापा रहेंगे, यानी कि मेरे मम्मा एंड पापा इस रूम में रहेंगे। और ये रूम काफ़ी बड़ा है। अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी सब कुछ डेकोरेट करना है। जब यहाँ का डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं आपको फिर ये रूम दिखाऊंगी। और वो भी एक है बाथरूम जॉइंट, एक इधर साइड आपको एक छोटी सी बालकनी मिल जाएगी, जहाँ पे आप आना जाना कर सकते हो। अगर आपको कूलर वगैरह रखना है तो आप यहाँ रख सकते हो, विंडो AC रखनी है तो भी आप वहाँ पे रख सकते हो। अब कर लेते हैं इसे बंद। चलो अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर छत पे, जो कि यहाँ से सीढ़ी गई हुई है, इस सीढ़ी से ही ऊपर। सो लेट्स गो, छत पे चलेंगे। मेरे हाथ में कपड़ा है, क्योंकि ऊपर कपड़ा फैला थे, वो गिर गया। काफी हद तक धूप है यार,
बहुत खतरनाक धूप है। ये हमारी छत और ये सब की, क्योंकि एक कॉलोनी है तो आपको आपका सारा घर सेम ही मिलने वाला है। सारा घर आपको यहाँ पे सेम मिलेगा। ये दूसरे का घर है, उस सब यहाँ पे सेम है, कुछ भी, बस एक कॉलोनी टाइप की सोसाइटी बनी हुई है। ये दूसरे घर का है, ये हमारे घर का है। ये है हमारी यहाँ की छोटी सी छत और ये है ये कॉलोनी। वो है खेत बारी, क्योंकि ये भी पहले खेत था जो खेत बिक के बना है। सारी सोसाइटी यहाँ पे एक कॉलोनी सी बन गई है। और ये सारे लोगों का घर सेम डिजाइन का ही, ये भी घर है। अभी बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है तो प्लीज अवॉइड, क्योंकि ये वापस से पेंट होगा। बंद हो गया। यहाँ पे स्विच है, एक रोशनदान, ये पूरी रेलिंग लगी हुई है। सो आई होप यू लाइक अ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा या फिर मेरा ये घर पसंद आया होगा, होम टूर पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।